सीट बॉल्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपसे एक गुजारिश है कि आप प्लीज़ सीट बॉल्स को यू नो एक इवेंट की तरह मत करिए। सीट बॉल्स जो हैं, सीट बॉल क्या होता है, आप जो मिट्टी और गोबर के, मिट्टी और खाद के क्लम्प्स बनाते हैं, छोटे छोटे गोले बनाते हैं, उसके अंदर सीड होता है, बीज होता है। और आप फिर हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग खड़े हो गए सड़क पे और बस फेंक रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं फेंक रहे हैं, बस से जा रहे हैं फेंक रहे हैं। ये बड़ा फेंकू आइडिया है, ये ऐसे थोड़ी ना कोई पेड़ उगते हैं कि आपने जी वो बीज को यूं किया और ऐसे किया और फेंक दिया। भाई अच्छा, बहुत लोग मुझसे डिस्कस करते हैं कि नहीं क्यों, बर्ड्स भी तो फेंकती हैं। अरे भाई, बर्ड्स के इंटेस्टाइनल सिस्टम से जब बीज निकलता है तो वो एक प्रोसेस से होकर निकलता है। आप जैसे पीपल है, फाइकस के स्पीसीज के हैं, फिग्स हैं, और भी कई प्रकार के बीज हैं, जब वो बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर निकलता है तो एक प्रोसेस से निकलता है, और जब वो गिरता है तो उसके जर्मिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो गिराएं तो बात अलग होती है। ये थोड़ी ना है कि इंसान जो है बस ऐसे बीज उठा के, खेती बाड़ी अलग चीज़ होती है, खेती बाड़ी में भी एक तरीका होता है, खेती बाड़ी में भी आप फार्म को प्लो करते हैं, उसमें थोड़ा सा डेप्थ पे, इतने डेप्थ पे उसको फरोस करते हैं, फिर उसके अंदर बीज डालते हैं, फिर उसको प्लेन करते हैं। तो अगर आपको सीड बॉल्स हैं तो इस तरह से मत कीजिए, यू नो दिस इज़ जस्ट, हाँ ठीक है फ़ोटो आप के लिए ठीक है, फ़ोटोशूट के लिए ठीक है, वीडियो बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पे रील डालने के लिए वो ठीक है कि हमने सीड बॉल बनाया फेंक दिया, हमने सीड बॉल बनाया फेंक दिया। अरे आप ये भी तो सोचो, उसको उसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी, उसको पानी कौन देगा, 10 महीने 9 महीने 10 महीने तो हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में, हमारी कंट्री में होते ही नहीं है, पानी नहीं होता, बारिश ही नहीं होती, वो तो वैसे ही मर जाएगा, उसको कीड़े लग जाएंगे, उसको बर्ड्स खा जाएंगे, है ना। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है, अगर आपको सीड बॉल ही डालना है तो फरोज कीजिए, उतरिए, गाड़ी से उतरिए, नीचे उतरिए, ज़मीन पे उतरिए, जाइए और कहीं जाके चैनल बनाइए, एक छोटा सा, आप बेशक इतनी डेप्थ का बनाएं, उसको बना के सीड बॉल को उसके अंदर रखें और उसके ऊपर पानी, उसको मिट्टी से ढके, एंड उसको मार्क कर लें वो जोन को कि कहाँ आपने वो किया है, एंड हर हफ्ते जाके पानी दीजिए उसको, हर हफ्ते जाके पानी दीजिए। इट इज़ कॉल्ड सीडिंग, इट इज़ लाइक ग्रोइंग थ्रू सीड्स, परफेक्टली ओके। लेकिन उसको जाके देखिए तो सही, उसको पानी तो दीजिए जाके, उसको प्रोटेक्ट तो कीजिए, जब वो बड़ा होगा फिर कैटल होगा, गाय भैंस बकरी उसको खा जाएगी अगर जर्मिनेट हो भी गया तो। यू जस्ट कांट डू समथिंग लाइक एक सीड बॉल बनाया बस फेंक दिया, सीड बॉल बनाया फेंक दिया, और मतलब इट्स अ वेरी फेकू आइडिया, ये इट्स नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ, पहाड़ों में शायद चले, क्यों, क्योंकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होती, ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं होती, ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस नहीं होती, पोल्यूशन की डिस्टर्बेंस नहीं होती, गाय भैंस बकरी की डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो शायद चल भी जाए। यूरोप में ये चीज़ चलती है, आइसोलेटेड एरियाज़ होते हैं, विल्डरनेस जिसको बोलते हैं, आप वहाँ जाके करते हैं, फाइन, इट डज़ वर्क, बट इट रिक्वायर्ड सर्टन सर्कमस्टांसेस, एक मतलब देश काल पात्र भी तो देखना होता है ना हर चीज़ का। सो जस्ट डोंट वेस्ट योर सीड्स लाइक दैट, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एनर्जी जस्ट थ्रोइंग सीड बॉल्स हियर एंड देयर, डोंट डू दैट।